हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आया हूँ झालोंग जाने का ट्रिप। गाइस, सो आज हम लोग जाएंगे झालोंग। आप लोग सोच रही है झालोंग कौन सा प्लेस है, ये है अलीपुर से 25 किलोमीटर। यहाँ से हम लोग का घर से होगा 70 टू 80 किलोमीटर होगा। गाइस, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं आज, मैं, मेरा आंटी और दो मेरा सिस्टर। गाइस, हम लोग एक साथ में जाएंगे स्कूटी में राइड करके। सो वहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा क्या क्या है। अगर शूट करना मिला तो आप लोग को मैं दिखाऊंगा। सो वहाँ पे जाएंगे मेरा आंटी को स्विमिंग सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन से मेरा आंटी बोल रही थी कि मेरा आंटी को स्विमिंग सीखना है। सो वहाँ पे जाके स्विमिंग सिखाएंगे मेरा आंटी को। गाइस, सो आप लोग देखते रहिए। आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। गाइस, मैं सोचा था कि मेरा कैमरा ऑन है, पर वो ऑन ही नहीं था। मैं अलीपुर पहुंचने के बाद अभी मुझे पता चल रहा है कि मेरा कैमरा ऑफ है। गाइस, मैं ये ओवरब्रिज में थोड़ा सा रुका था, क्योंकि आंटी लोग रुका था, इसलिए मैंने रुका, फिर देखा कि मेरा कैमरा ऑफ है, फिर मैंने अभी ऑन किया। ये अलीपुर का ओवरब्रिज आप लोग देख ही सकते हैं गाइस, कितना बड़ा है। ये मस्त लगता है गाइस, रात में अगर आप लोग आओ ना, यहाँ पे दोनों तरफ से लाइट जलता है ना, मस्त लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। ये आप सामने देख ही रहे हैं कितना सुंदर, ऐसा लग रहा है कि ट्रेन का वो ट्रेन ब्रिज होता है ना, वो ऐसा लग रहा है गाइस। बहुत ब्यूटीफुल हो गया है अलीपुर, अभी बहुत अच्छा हो गया है गाइस, देख ही सकते हैं कितना सुंदर हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं झालोंग गाइस, देखते हैं अभी कितना बजे पहुँचते हैं। थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा दूर है। वैसे भी हम लोग 50 किलोमीटर क्रॉस कर लिए हैं, अभी 20 से 25 किलोमीटर है गाइस। अभी पहुंचने के बाद आप लोग को दिखाता है, अगर वहां पे शूट करना दिया तो, अगर नहीं दिया तो क्या करें गाइस। वैसा होता है, क्योंकि वहां पे रिसोर्ट लॉक है, वहां पे बीच में स्विमिंग पूल है ना, इसलिए वो लोग स्विमिंग करते हुए हम लोग ब्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं था। अंकल बोला कि वहाँ पे आप लोग शूट नहीं कर सकते, इसलिए अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं। फॉरेस्ट के बीच में एक नदी है गाइस, उस नदी में नाव से हम लोग अभी जाएंगे अंदर, अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मेरा आंटी का स्माइल आप लोग देख ही सकते हैं, नहा के आके कितना सुंदर लग रही है वो। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर फॉरेस्ट के अंदर, दोनों तरफ फॉरेस्ट, हरा भरा ग्रीननेस, और बीच में नदी, बहुत गहरा नदी है गाइस, इसमें बहुत कुछ है। वो अंकल बोल रहे थे कि यहाँ पे बहुत कुछ, मतलब जीव जंतु एनिमल्स है गाइस। सो देख रहे हैं आप लोग, अभी हम लोग जा रहे हैं घर गाइस, क्योंकि बहुत देर हो गया, अभी शाम होने वाला है, इसलिए अभी हम लोग बैक टू होम, क्योंकि मेरा आंटी बहुत टायर्ड हो गई है, बोल रही थी कि घर जाएगी, इसलिए हम लोग निकल चुके हैं। अभी हम लोग का 5 किलोमीटर क्रॉस हुआ है, क्योंकि बहुत दूर जाना है गाइस। मैं अकेला लड़का हूँ और वो 3 लड़की है गाइस, इसलिए हम लोग निकल चुके हैं, अभी घर जाने वाले हैं। अभी देखते हैं कितना देर में हम लोग घर पहुँचते हैं गाइस, और मेरा स्कूटी का सर्विसिंग भी कराना है, क्योंकि 1000 किलोमीटर चला गया है सर्विसिंग करने के बाद, इसलिए मुझे घर जाने के बाद टुमारो मुझे अपना गाड़ी सर्विसिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्रेशर दे नहीं सकते, स्कूटी है, थोड़ा समझना पड़ता है गाइस। क्योंकि बाइक होने से भी हम लोग सर्विसिंग करवा लेते हैं, क्योंकि स्कूटी है, थोड़ा जल्दी करवाना पड़ता है, फिल्टर भी मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, मोबिल भी चेंज करवाना पड़ेगा सर्विसिंग में, देखते हैं अभी कब देते हैं सर्विसिंग। अभी जा रहे हैं गाइस। वैसे तो आप लोग ये रोड से कहीं भी जा सकते हैं, सिलीगुड़ी, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, कहीं भी जा सकते हैं। ये बहुत दूर तक गया है गाइस, इंटरनेशनल रोड है ये, असम गुवाहाटी से एकदम कोलकाता से उधर भी जा सकते हैं गाइस। यहाँ से हम लोग को लेना है लेफ्ट, अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि ये अलीपुर का रोड है गाइस। अभी हम लोग घुस गए हैं अलीपुर जाने वाला रोड, ये रोड को अलीपुर जाने वाला रोड बोलते हैं, बाईपास रोड बोलते हैं गाइस। नीचे भी एक रोड है जो कि, ये देखो मेरा बहन रेस लगा रही है मुझसे, चलो कौन आगे जाता है, चलो मैं भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ स्पीड। देखो गाइस कितना स्पीड चला रही है ये लड़की,
कितना स्पीड चला रही है ये देख सकते हैं आप लोग। चलो रेस खेलते हैं, चलो चलो कौन जीतता है, कौन विन होता है, चलो देखते हैं। वो देखो गाइस कैसा भगा रही है, कैसा भगा रही है गाइस, देखो आप लोग देख ही सकते हैं कितने कैसा भगा रही है। भगाओ 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 भगा लो भगा लो। सो अभी यहीं पे ब्लॉग एंड करते हैं गाइस, क्योंकि मेरा कैमरे का बैटरी लो हो गया है गाइस, सिग्नल आ रहा है मुझे, क्योंकि यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है नहीं, इसलिए आप लोग को आई एम रियली सॉरी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।